जय हिंद साथियों, स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल SC वीडियो भर्ती 2018 के बारे में और इस भर्ती की एग्जाम डेट को लेकर बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट के मन में चल रहे हैं, तो इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस भर्ती की एग्जाम यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कब तक करवा सकता है, इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि क्या नए बच्चों को इस भर्ती में मौका मिलेगा, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि 2018 की ये भर्ती है, इसके पेपर वगैरह भी हो गए थे, रिजल्ट भी जारी हो गया था, लेकिन उसके बाद में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस भर्ती को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि हम दोबारा से इस भर्ती की एग्जाम करवाने वाले हैं, तो अब ये डाउट चल रहा है बच्चों के मन में कि क्या नए बच्चों को इस भर्ती में मौका मिलेगा, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि क्या नए पद इस भर्ती में ऐड हो सकते हैं, क्या कुछ पद बढ़कर इस भर्ती को आयोजित करवाया जा सकता है, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस भर्ती की एग्जाम यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कब तक करवा सकता है। तो साथियों, इसकी जानकारी हमें मिलती है यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किया गया उनका एग्जाम कैलेंडर, उससे साथियों तकरीबन ये आइडिया हो जाता है कि इस भर्ती की एग्जाम कब तक होने वाली है, क्योंकि यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मई से साथियों एग्जाम स्टार्ट कर रहा है एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो यहां पर देखिए, इनके पास मई में भी साथियों स्लॉट खाली नहीं है, जून में भी इन्होंने कुछ एग्जाम करवानी है, इसके अलावा जुलाई में भी साथियों स्लॉट बुक है, अगस्त में भी ये साथियों फ्री नहीं है, यानी मई से लेकर अगस्त सितंबर तक साथियों इनके पास एग्जाम करवाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। इसके अलावा इन्होंने जो ग्राम विकास अधिकारी जो वीडियो की एग्जाम है, इसके लिए इन्होंने साथियों अक्टूबर का जो माह है वो स्लॉट खाली छोड़ा है, लेकिन इन्होंने बताया कि यथा समय पर आपको सूचित कर दिया जाएगा, यानी आप सितंबर से नवंबर के बीच में देखेंगे तो अक्टूबर माह का स्लॉट इन्होंने खाली छोड़ा है। तो यह आइडिया लगाया जा सकता है कि इस भर्ती की जो एग्जाम है साथियों, ये यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अक्टूबर में ही करवाने वाला है, तो अक्टूबर को मानकर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि क्या यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस भर्ती में नए छात्रों को मौका दे सकता है, क्या नए बच्चों को इसमें मौका मिल सकता है, तो साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। 1900 से अधिक पदों पर यह भर्ती आयोजित हुई थी और जो स्टूडेंट इस भर्ती में शामिल हुए थे उन्हीं को दोबारा से इस भर्ती में मौका दिया जाएगा। इसमें आयोग के द्वारा नए स्टूडेंट को मौका दिए जाने का चांस बहुत ही कम है। इसके अलावा हम बात करें क्या इस भर्ती में नए पद ऐड हो सकते हैं, तो साथियों इसकी भी संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं कि इसी भर्ती में नए पद ऐड करके दोबारा से इस भर्ती का आयोजन करवाया जाए। इसके लिए 2100 प्लस पदों की एक नई भर्ती वीडियो की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करवाने वाला है, लेकिन इस भर्ती में ये पद ऐड होने की संभावना बहुत कम है। इसके अलावा एक डाउट और है स्टूडेंट के मन में कि उस एग्जाम में उस टाइम कुछ स्टूडेंट एब्सेंट रहे थे, वो अब सोच रहे हैं कि हम इस एग्जाम को अब दे लेंगे, तो ये भी साथियों सेवा चयन आयोग पर ही डिपेंड करता है कि ऐसे स्टूडेंट को मौका देना है या नहीं देना है, क्योंकि आप उस एग्जाम में एब्सेंट हो चुके हैं तो आपका कोई राइट्स नहीं बनता कि आपको दोबारा से मौका दिया जाए। लेकिन अगर यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दोबारा से उन्हीं फॉर्म को उठाता है और एडमिट कार्ड जारी करता है, तो आपका 1% चांस बनता है कि आपको दोबारा से इस एग्जाम को देने का मौका मिल जाए। तो साथियों सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस भर्ती की एग्जाम कब तक हो सकती है, क्योंकि 2018 की भर्ती है, बहुत काफी लंबे समय से अभ्यर्थी इस एग्जाम का वेट कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि अक्टूबर माह में आपकी एग्जाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करवा देगा, उसको मानकर आप अपनी तैयारी साथियों उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।